500 किलोमीटर साइकिल चलाकर दर्शन से मिलने पहुंचा दिव्यांग फैन, पुलिस से एक बार मिलवाने की गुजारिश की। मर्डर केस में जेल में बंद है कन्नर एक्टर। स्पीकर ओम बिरला के आपातकाल भाषण के मुरीद हुए पीएम मोदी, इमरजेंसी की तानाशाही से कर डाली उनकी तुलना। स्पीकर ओम बिरला से खुश हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शर्मिला ने बहू करीना की फिल्म क्रू पर की बात, बोली फिल्म बेतुकी और समझ से परे थी लेकिन एंटरटेनिंग थी, भरोसा नहीं हुआ ये इतनी अच्छी होगी। अमिताभ ने 60 करोड़ में खरीदे 3 ऑफिस स्पेस, अंधेरी की वीएस सिग्नेचर बिल्डिंग में किया इन्वेस्ट। अगस्त 2023 में यहां खरीदे थे 4 ऑफिस यूनिट। साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम, अफगानिस्तान को हराया, चोकर्स का दाग मिटाया, 7 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में बाहर हो चुकी थी। मुंबई और वैष्णो देवी के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, कई राज्यों के शहरों से होकर गुजरेंगी, रूट और टाइमिंग भी जानिए। पूरा सिस्टम लगा है, बंदा जेल से बाहर ना आ जाए, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पत्नी सुनीता ने सुनाई पूरी कहानी। सीएम योगी आज ट्रैफिक पुलिस को सौंपेंगे वातानुकूलित हेलमेट, यूपी 112 पीआरवी नई सुविधाओं से लैस, सीएम करेंगे फ्लैग ऑफ। लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली एम्स में भर्ती, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की निगरानी में हो रहा इलाज, हालत स्थिर। क्या केजरीवाल ने शराब घोटाले का ठीकरा सिसोदिया पर फोड़ा, सोशल मीडिया यूजर्स इस फेक न्यूज को मान बैठे सच, लेकिन मामला कुछ और ही निकला।